खबर जुड़ी हुई है बेंगलुरु में जो एटीएम कल आपने देखा था, एक महिला पर जिस तरीके से हमला किया गया था उसी में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। क्राइम ब्रांच ने घायल महिला का फोन ट्रैक किया है, उसके बाद इस शख्स को पकड़ा गया है। तो इस समय ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को जिसे हिरासत में लिया गया है, इसने हमलावर से ये फोन लिया होगा जिसे क्राइम ब्रांच ने ट्रैक किया है। और साफ तौर पर अब क्राइम ब्रांच की कोशिश ये होगी कि वो ज्यादा जानकारी हमलावर को लेकर इस शख्स से निकाले। और प्रसाद भोसेकर ज्यादा जानकारी के साथ, प्रसाद और क्या कुछ सामने आया है? देखिए, कल जो हमलावर ने ज्योति के ऊपर हमला किया था और ज्योति का जो मोबाइल फोन है वो भी वो साथ लेके गया था, तो उसका जो आईएमआई नंबर देखने के बाद बेंगलोर की पुलिस जो टीम इस मामले की जांच कर रही है उनको ये पता लगा है कि ये जो इसको ट्रैक किया गया आंध्र प्रदेश के हिंदुपुर में, जो कि बेंगलोर से तकरीबन 100 किलोमीटर के दूरी में आता है हिंदुपुर अनंतपुर जिले में, तो जिस व्यक्ति को इस हमलावर ने वो फोन बेचा था बताया जाता है कि वो अभी बेंगलोर जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उनके कब्जे में है। तो उससे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आदमी कहाँ जा सकता है, क्योंकि उसने बेंगलोर में फोन चुराया था और जो है हिंदुपुर में उसको बेचा था, तो हिंदुपुर में जिस आदमी को बेचा था उससे पूछताछ हो रही है फिलहाल। चलिए, ताजा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।